So dear kids, today we will learn the concept of greater than, smaller than and equal to in our math subject. So for this I am using a beautiful craft work and I am sharing this video with you so you can also get benefit with this. So now dear kids, first you have to take 3 pieces of square shape small papers, okay? And we will also need 3 white colored sheets. It is a normal A4 size sheet, okay? And we will also need Fevicol or glue and some crayon colors of your choice. And we will also need marker or black sketch pen. And we will need blue or white colored cotton. See, blue or white colored cotton. There are so many cotton balls available in the market, so you can use only one cotton ball. So I have colored these 3 pieces with the help of crayon. I have used orange, green and blue. You can use any type of color you want, okay? And on the white sheets, your mom will draw clouds like this, 2 clouds. Each sheet will have 2 clouds in it, okay? Like this. And then she will write number 8 and 5 in one sheet, number 6 and 9 in one sheet, and 4 and 4 in one sheet, okay? So now first take the pieces of your small square shape paper you have colored earlier, and then we will fold it like this. Aapko pehle aise fold karna hai, then you have to fold it like this. आपको ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाना है, ओके? सो इट विल डेवलप योर फाइन मसल्स ऑल्सो. आपकी जो फिंगर मसल्स हैं वो इससे स्ट्रांग होंगी, है ना? एंड इट विल डेवलप योर आई हैंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो. आपको ऐसे फोल्ड करते जाना है और ऐसे प्रेस करना है इंडेक्स फिंगर्स की हेल्प से. नाउ आफ्टर फोल्डिंग दीज 3 पेपर्स, वी विल अप्लाई ग्लू इन एनी वन साइड. सो आपको ऐसे अंदर की तरफ ग्लू अप्लाई करना है, एंड देन आपको इसे ऐसे पिंच करना है जिधर आपने ग्लू अप्लाई किया होगा, ओके? सो लाइक दिस यू हैव टू पिंच इट सो दैट इट विल स्टिक प्रॉपरली, ओके? ऐसे आपको पिंच करना है. सो सी, आई हैव अप्लाइड ग्लू ऑन ओनली वन साइड, एंड बैक साइड ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई द ग्लू. सी, मैंने यहाँ पर भी ग्लू अप्लाई किया क्योंकि ये अच्छे से स्टिक हो यहाँ से, है ना? सो नाउ आफ्टर स्टिकिंग दिस, कीप असाइड एंड लेट इट ड्राई. नाउ टेक योर वाइट शीट्स एंड वी विल पेस्ट कॉटन. आई हैव शोन यू ब्लू कॉटन, यू कैन यूज वाइट कॉटन ऑल्सो. आप चाहो तो वाइट के अलावा भी दूसरे कलर की शीट यूज कर सकते हो. नाउ apply glue and then paste cotton on your clouds, okay? So in this way you have to paste pieces of small cottons like this. आपको अच्छे से इसे press करना है जैसा ये clouds आपने देखा होगा ना. So it will look alike clouds. See, same process you have to follow on other 2 sheets. See, I have pasted all the cotton I have shown you earlier on my clouds. So इससे क्या benefit होगा बच्चों को, इससे ये भी identification होगा कि क्लाउड्स जो है वो ब्लू कलर के या वाइट कलर के होते हैं, एंड देन वो इसे सेंसरी एक्टिविटी की तरह टच करके फील कर सकते हैं दैट द क्लाउड्स आर फ्लफी, ओके? सॉफ्ट एंड फ्लफी. सो दिस एक्टिविटी विल हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप देयर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एज वेल एज देयर सेंसरी ऑर्गेन्स ऑल्सो. सो आफ्टर दिस यू हैव टू टेक ब्लू वाटर कलर, और यू कैन टेक नील. नील जो घर पे अवेलेबल होता है आप उसे भी यूज कर सकते हो. व्हाई आई एम टेलिंग दिस अल्टरनेट, बिकॉज कोरोना टाइम इज देयर,
अभी COVID-19 की सिचुएशन चल रही है एंड हमारे घरों में नील होता ही है जनरली, और अगर आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं तो ये और भी बेनिफिशियल होगा। सो नाउ जहाँ पर 4N4 लिखा हुआ है ना, सो बच्चे इसमें क्या करने वाले हैं, दे विल टेक आउट देयर इंडेक्स फिंगर एंड देन डिप देयर इंडेक्स फिंगर ऑन इन कलर, एंड देन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो वो 4 ड्रॉप्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिंगर प्रिंटिंग करेंगे। सो अपनी वो ये इंडेक्स फिंगर की हेल्प से यहाँ 4 ड्रॉप्स बनाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो आप इसे थोड़ा डार्क भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, सो दे विल पुट 1, 2, 3 एंड 4 ड्रॉप्स। आप उन्हें कहिएगा कि वो बहुत अच्छे से अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाएंगे। सो सी यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर भी 4 ड्रॉप्स हमने बनाए। नाउ टेक द शीट विच हैव नंबर 6 एंड 9। सो अगेन आपको यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 6 डॉट्स बनाने, ड्रॉप्स बनाने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इससे बच्चों को क्या सेंस होगा कि क्लाउड से रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, एंड रेन ड्रॉप्स हमेशा अप टू डाउन गिरते हैं, है ना। एंड रेन ड्रॉप्स का जो कलर है वो वाटर का ब्लू हम जनरली अज्यूम करते हैं। नाउ हियर वी विल मेक 9 ड्रॉप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ड्रॉप्स आई हैव मेड हियर। ओके, आप इसे थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं पर लाइट है। नाउ टेक द शीट विच हैज़ नंबर 8 एंड 5। नाउ ड्रॉ अगेन ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। सो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो हम 8 ड्रॉप्स यहाँ पर बनाएंगे, 1, 2 एंड 8। 8 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर बनाई है। ओके, नाउ हियर इज नंबर 5। सो 5 ड्रॉप्स वी विल ड्रॉ, 1, 2 एंड 5। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग फिंगर डैबिंग टू मेक ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स, फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स। ओके, सो एज यू नो इट इज़ अ रेनी सीजन गोइंग ऑन, एंड इसलिए मैंने एक्टिविटी में क्लाउड्स एंड रेन ड्रॉप्स का यूज़ किया है। नाउ लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम एंड देन टेक योर these papers which we have sticked from one side. Okay, now what we will do, we will take these kind of paper cutouts. ये मम्मा आपकी कट करके दे देंगी आपको। अगर आपके पास ऐसे पेपर कटआउट्स नहीं है तो आप ड्रॉ करके फिर कलर करके फिर मम्मा से कट करवा सकते हो। सो 3 हमारे पास ये है तो 3 हम ऐसे जे जे लेटर के शेप के ऐसे कटआउट्स लेंगे। Now what we will do, we will paste this letter J like cutout here on the back side of our paper folded paper. So now see, I have pasted this stick like this at the back of folded paper. So we have made umbrella, a beautiful umbrella. एंड 2 मोर। सो ऐसे आपको इसे सेंटर पार्ट पे पेस्ट करना है जैसे मैंने किया है, और आपको तो पता ही होगा हम रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। सो नाउ यू हैव टू टेक योर वाइट शीट्स। सो दीज आर द साइंस ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। So first we will take the sheet which is having 8 and 5 raindrops, and हम यहाँ पर umbrella place करने वाले हैं जो हमने अभी बनाया है। So what you have to do, greater than का sign हमने देखा वो इस तरफ open होता है, so हम अपने umbrella को इस तरफ open करके paste करेंगे like this। आपको इसे पेस्ट करना है तो आप पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर अदरवाइज आप इसे प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप और भी शीट्स प्रिपेयर करना चाहो। सो अम्ब्रेला हम किस साइड ओपन करेंगे, जिस साइड ज़्यादा रेन ड्रॉप्स होंगी, यानी 8 इज़ ग्रेटर देन 5,
एज जो होता है वो 5 से बड़ा होता है. यहाँ पर ज्यादा मोर रेन ड्रॉप्स है और यहाँ पर लेस रेन ड्रॉप्स है ना. सो मोर है इसलिए ये ग्रेटर देन होगा. 8 इज ग्रेटर देन 5. नाउ टेक अनादर शीट विच इज हैविंग नंबर 6 एंड 9. सो वी हैव ड्रॉन 9 रेन ड्रॉप्स एंड 6 रेन ड्रॉप्स. सो वेयर आर मोर रेन ड्रॉप्स? हियर हियर आर मोर रेन ड्रॉप्स बिकॉज 9 जो होता है वो 6 से बड़ा नंबर होता है, 6 के बाद आता है. सो वेयर वी विल ओपन अवर अम्ब्रेला? वी विल ओपन आर अम्ब्रेला ऑन 9 साइड. ये देखो मैंने अपना अम्ब्रेला यहाँ पर इस साइड ओपन किया. भाई जिस साइड ज़्यादा पानी गिरेगा उस साइड तो अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी ना. सो सी आई हैव ओपन माई अम्ब्रेला हियर दिस साइड. सो 6 इज लेस देन 9. ओके सो वी विल ओपन अवर अम्ब्रेला हियर दिस साइड. ओके नाउ टेक द शीट विच इज हैविंग नंबर 4. ओके सो नंबर 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. सो यहाँ पर भी 4 रेन ड्रॉप्स है, यहाँ पर भी 4 रेन ड्रॉप्स है. सो दीज आर इक्वल. 4 और 4 तो इक्वल होता है, इसमें कोई भी छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है. सो हम अपने अम्ब्रेला को ऐसे सेंटर पे प्लेस करेंगे. सो इट विल कवर बोथ दी साइड्स. सो इन दिस वे यू हैव टू मेक दिस एक्टिविटी वेरी क्रिएटिव एंड आप इसे बहुत जल्दी सीख भी जाओगे कि ग्रेटर देन एंड लेस देन का कॉन्सेप्ट एंड इक्वल का कॉन्सेप्ट क्या होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. वी विल मीट सून इन अनदर वीडियो. बाय बाय.